सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है और ऑनलाइन की दुनिया में तो काफ़ी सारा फ्रॉड है, जिसमें आप किसी को पकड़ भी नहीं पाते और आपके काफ़ी सारे पैसे लुट जाते हैं या छिन जाते हैं। तो ये बात मैं कर रहा हूँ OLX पे चल रहे फ्रॉड के बारे में। तो OLX पे किस तरह का फ्रॉड चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इससे बचना चाहिए, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट। तो दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा, OLX एक ऑनलाइन सेलिंग ऐप्स है जो सेकंड हैंड चीज़ें लोग के पास होती हैं, एक्सेस होती हैं या उनके यूज में नहीं आती, या कोई वो नई चीज़ खरीद लेते हैं तो उसको यहाँ पे फोटो पिक्चर खींच के लगा देते हैं और रेट डाल देते हैं और थोड़ा सा उसका डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेलर अपने आप ही सर्च करता है, उसके पास भी ये ऐप्स होता है OLX, और वो वहाँ से कॉन्टेक्ट करता है बाय चैटिंग या बाय मोबाइल नंबर के। तो इसके बाद यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है फ्रॉड होने की आशंका यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉड लोग भी अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी फ़ोटो डाल रखी है, इमेज डाल रखी है किसी दूसरे के मोबाइल की, किसी के दूसरे की गाड़ी की या व्हीकल की या किसी भी प्रोडक्ट की, और अपना नंबर दे रखा है, और वो रेट इतना सस्ता डालते हैं कि आप उनके झांसे में तुरंत आ जाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एक आपको अल्टो गाड़ी लेनी है, ठीक है, अल्टो गाड़ी आपको लेनी है और आप सर्च कर रहे हैं OLX पे सर्च कर रहे हैं, तो सभी का जो रेट है, जो आपको मॉडल लेना है उस मॉडल की गाड़ी अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो सभी का जो रेट है, किसी का 80,000 है, किसी का 1,00,000 है, किसी का 1,50,000 है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो फ़ोटो डालेंगे, वैसे तो इनकी होती नहीं है गाड़ी, किसी की भी फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है, और फ़ोटो मिली जाती हैं ऑनलाइन में तो सारी मिल जाती हैं फेसबुक पर, इधर उधर लोग अपनी अपनी फ़ोटो डालते रहते हैं, वहाँ से ये लोग फ़ोटो उसको डाल देते हैं और उसका प्राइस रखते हैं कि 60,000, 40,000, 50,000। तो आपकी जब आप सर्च करते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि सस्ता से सस्ता मिल जाए, अच्छा से अच्छा मिल जाए, तो आपकी नज़र तुरंत इस पर पड़ती है और आप वहाँ से चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से स्टार्ट हो जाती है फ्रॉडबाजी। उसके बाद क्या होता है कि स्टार्ट हो जाती है ये सारी चीज़ें। ये मैं एक प्रोडक्ट का उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, छोटा गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी जो भी OLX पे बिक रहा है। तो लेकिन ये जो चीज़ें डालते हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर उसको खरीदें, ऐसी चीज़ें ये लोग डालते हैं। तो यहाँ से क्या है कि वो आप चैटिंग करने लगते हैं, वो अपना फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कई तरह की फ्रॉड होती है। एक तो होता है पैसे छीनने की, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको डील हो गई, ठीक है, और इनका कोई जगह तो होता नहीं है OLX का कि ऑफिस होता है, उसके ऑफिस चल के आप डील करेंगे, आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं आपको कहाँ डील करनी है। तो सामने वाली पार्टी जो फ्रॉड होती है वो आपको कह देती है, ठीक है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आप आ जाइए यहाँ पे, देख लीजिए, आप गाड़ी ले जाइए और पैसे दे दीजिए। तो जो बंदा इन चीज़ों को लेने जाता है, मैक्सिमम वो पैसे लेके ही जाता है कैश, ठीक है, कैश लेके ही जाता है कि गाड़ी पसंद आ जाएगी, 2,000-4,000 ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा कम करा लेंगे और वहाँ से तुरंत देके तुरंत चले आएंगे, या तुरंत जाके किसी नोटरी पे जो कागजी कार्रवाई है थोड़ी बहुत वो कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बंदा या तो अकेले जाता है या किसी एक को लेके जाता है। लेकिन जो फ्रॉड वाला गैंग होता है वो कम से कम 2-3 लोग होते हैं आसपास, और एक दो लोग गाड़ी के पास खड़े होते हैं, एक दो दूर खड़े होते हैं। तो जब उनको पता चल जाता है कि आप बिल्कुल पैसे लेके आए हैं सारी चीज़ें, तो वो आपको लूट भी लेते हैं, क्योंकि ये तो इसमें बचाव का क्या वो है, इसमें बचाव का ये है कि जब भी ऐसी डील करें, सबसे पहले मैं तो बता रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो डील कैसे करता है। वो बहुत चीज़ें खरीदता है OLX से और सारी चीज़ें, वो क्या करता है कि कोई भी पुलिस स्टेशन होता है उसके सामने डील करता है उसे, ठीक है, जहाँ पुलिस स्टेशन है उसके सामने ही मिलने के लिए बुलाता है, उसके सामने ही डील करता है कि वहाँ पे कोई छीना झपटी हो, कोई वारदात हो तो वो हो ना पाए, ठीक है, ये उसका मुझे लॉजिक बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है ये है कि वो ऐसी जगह पे जहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है, वो ऐसी जगह पे करता है जहाँ चौराहे पे जहाँ पे पुलिस वाले का पिकेट बनी रहती, छोटी छोटी पिकेट बनी रहती है, जहाँ पे 2-3 पुलिस वाले हमेशा रहते हैं, ठीक है, बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, वो ऐसी लोकेशन पे करता है, वहाँ पर भी इस तरह की आशंका नहीं हो सकती, ठीक है। या वो करता है किसी रेस्टोरेंट के अंदर,
अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, बढ़िया रेस्टोरेंट है, सारी चीज़ें वहाँ करता है, तो इस जगह पे वो ये लोग वो डील करता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप अपना सकते हैं। और जब भी कोई बड़ी अमाउंट लेके जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जब बड़ी अमाउंट लेके जाए तो सबसे पहले अपने साथ काफ़ी लोग लेके जाए, ट्रस्टेड लोग, और ऐसी जगह पे ही बुलाएं, किसी सुनसान जगह पे ना जाए, उसके बताई हुई जगह पे ना जाए, जहाँ आपकी मर्जी करे आप वहाँ बुलाएं, ठीक है। और अगर उसे गाड़ी बेचनी है तो भाई वो आ जाएगा, ठीक है, या दाल में कुछ काला है तो नानुकुर करेगा, नहीं आएगा तो इस तरह से वो पकड़ा जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें करते हैं। ये तो होगी जो सिंपल फ्रॉडबाजी थी, ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा था और काफ़ी लोग सतर्क हो चुके हैं इस तरह के, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी एक नया फ्रॉड स्टार्ट हुआ है आर्मी कैंटीन के नाम से। और इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे आर्मी वाले कुछ लोग अपने आप को कुछ प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करते हैं, मतलब कि हमें ये बेचना है और मेरी बटालियन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मुझे ये बाइक बेचनी है, ये मोबाइल बेचना है, ठीक है, या मेरा रिटायरमेंट हो चुका तो अब मैं जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, ये बेचना है, और वो एज ए आर्मी मैन बन के बोलते हैं, मतलब अपने को शो करते हैं। तो सामने वाला, एक तो आर्मी पे काफ़ी ट्रस्ट होता है लोगों का, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ही ट्रस्ट होता है, तो एक तो यहाँ पे वो लोग ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब डील आगे बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी वाले, कोई ऐसा नहीं होता कि आपके शहर में ही हो, कहीं दूर भी हो। अब मैं आपको बता दूं इसके पीछे लॉजिक क्या है। हर कोई आर्मी वाले से कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है, क्योंकि उससे जो जेन आदमी, अगर आदमी आर्मी में है तो वो जेन्युइन लगता है, और उसकी जो चीज़ें हैं, बाइक हो गई, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वो चीज़ें मतलब संदिग्ध नहीं होती। वो ये रहता है कि ये भाई आर्मी का आर्मी है तो ये चोरी की चीज़ें तो बेचेगा नहीं। तो ये सारा ट्रस्ट बिल्डअप पहले से ही एक माइंड सेटअप हो जाता है खरीदने वाले का। वो अपने आपको यही शो करते हैं कि हम आर्मी से हैं और यहाँ से बोल रहे हैं बटालियन से, वो उस तरह की लैंग्वेज भी कुछ यूज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए मान लो डील फाइनल हो गई और वो आर्मी वाले भाई, आर्मी की लोकेशन दूर दूर होती है, शहरों से दूर, तो वो वहाँ से कहते हैं कि ठीक है, हम आपका प्रोडक्ट कोरियर कर देंगे। कोरियर कर दे रहे हैं और आपको कोरियर मिल जाएगा, पैसे दे दीजिएगा। उसके बाद जब डील स्टार्ट हो जाती है तो वो बीच में कहते हैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ कोरियर करने, आप कम से कम कुछ पैसे तो मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। आदमी सोचता है कि नानुगुर करता है कि भाई आपने तो कोरियर करा नहीं तो ये मैं आपको पैसे क्यों डलवाऊँ। तो इसमें स्टार्ट ये होता है कि ठीक है, मैं कोरियर कर दे रहा हूँ और आपको कोरियर की रसीद दिखा दे रहा हूँ, आप मेरे को इतना 50% तो करवा ही दीजिए, ठीक है, बाद में आप 50% बाद में दे देना। तो बहुत सारे लोग झांसे में आ जाते हैं कि कोरियर की जो रसीद है, कोरियर की रसीद देख के, या उनको व्हाट्सअप कर देते हैं वो लोग, तो कोरियर की रसीद देख के वो लोग ये सोचते हैं कि कोरियर तो हो चुका, अब मैं 50% आपको दे भी दे रहा हूँ इस बंदे को, तो कोरियर तो निकल चुका है वहाँ से, वो मेरे पास आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोरियर की रसीद कटवा के, मैं चाहूँ ना कोरियर की रसीद कटवा के, ठीक है, फर्जी रसीदें मिलती हैं, कोरियर की रसीद कटवा के और उस पैकेट को भेजू ही ना। तो ये चीज़ें फ्रॉड वाली है कि 50% भाई फ्रॉड इंसान का तो ये रहता है कि अगर 5,000 रुपये में डील है तो उसे चाहे 500 रुपये मिल जाए, किसी तरह जितने पैसे, किसी तरह जितने पैसे झिटकने हैं उसे, उतने उसके अकाउंट में आ जाए। तो इस तरह से आर्मी के नाम पे भी काफ़ी सारी फ्रॉडबाजी ओएलएक्स पे चल रही है, और इन चीज़ों से बच के रहे, हमेशा चीज़ें अपने आसपास के लोगों से खरीदें और अपने शहर के लोगों से खरीदें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग चीज़ें सस्ती भी बेच रहे हैं तो बहुत सारे लोग चोर भी हैं, इसमें चुराते हैं मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें, और आपको आधे दाम में बेच देते हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये तो मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। या बहाना वो क्या करते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं जा रहा हूँ, या मेरी नौकरी यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, अब मैं इतनी चीज़ें कहाँ लेके जाऊँगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी, मुझे जाना है 2-4 दिन में ही जाना है, इसलिए मैं कम में बेच रहा हूँ, ठीक है। टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल का कोई बिल नहीं होता, ठीक है, या आप बिल भी मांगते हैं तो आदमी कहता है यार मेरा बिल तो खो गया, बिल इतना कौन संभाल के रखता है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं है तो इनका बिल लोग संभाल के नहीं रखते। लैपटॉप हो गया, उसका बिल कोई नहीं संभाल के रखता 1-2 साल यूज करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह में चोरी की ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं। तो सारी चीज़ें अगर आपके शहर का है तो आप उसे पकड़ सकते हैं बाद में, कि अगर आप
उसके घर घर को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से दूर के लोगों से, अनजान व्यक्ति से ना खरीदें और बच के रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए दोस्तों, और इस मेरे चैनल को पहली बार देखना तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और उसके नीचे एक बेल आइकन आएगा उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।